हिमाचल प्रदेश के शिमला का माल रोड पर कॉफी हाउस भारत में प्रसिद्ध है। दिसंबर 2017 में भारत सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान शिमला पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने माल रोड पर कॉफी हाउस की कॉफी का आनंद भी लिया था, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट कर लिखा था, दो दशक बाद भी शिमला के कॉफी हाउस की कॉफी का स्वाद पहले की तरह ही लाजवाब है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ अविरल और आप देख रहे हैं घूमो जी भर के। दोस्तों, कोरोना संकट की वजह से शिमला सहित देश के 7 कॉफी हाउसों पर ताला लगने की नौबत आ गई है। कॉफी हाउस का संचालन जारी रखने के लिए सरकार से कोई मदद न मिलने के कारण अब स्थिति बहुत ही नाजुक हो गई है। शिमला सहित देश के 7 प्रतिष्ठित कॉफी हाउस पर तालाबंदी की नौबत आ गई है। कोरोना की मार से इंडियन कॉफी वर्कर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी पिछले 10 महीनों से देश के 7 कॉफी हाउस में तैनात करीब 250 कर्मियों को वेतन नहीं दे पाई है। मौजूदा समय में सोसाइटी का घाटा बढ़कर 3 करोड़ पहुंच गया है। ऐसे में अब सोसाइटी की प्रबंधन समिति की बैठक बुलाने की तैयारी की गई है। माल रोड कॉफी हाउस की मौजूदा समय में कमाई घटकर 2 से 3 हजार रुपये प्रतिदिन हो गई है, जिसके चलते यहां तैनात 47 कर्मियों का वेतन भी नहीं निकल पा रहा है। कॉफी हाउस के प्रबंधक आत्माराम शर्मा ने बताया है कि कॉफी हाउस का संचालन जारी रखने के लिए सरकार से कोई मदद न मिलने के कारण अब स्थिति नाजुक हो गई है। सालाना पानी का बिल करीब 3.5 लाख रुपये, कूड़े का मासिक बिल 11,000 और बिजली का बिल 15,000 रुपये माह चुकाना पड़ रहा है। ऐसे में कर्मचारियों का वेतन देना संभव नहीं है। कर्मचारी पीएफ और एलआईसी से ऋण लेकर परिवार पाल रहे हैं। नाजुक स्थिति में कॉफी हाउस का संचालन जारी रखना असंभव है। कॉफी हाउस को बचाने के लिए शिमला के कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया पर पैसा जुटाने का अभियान भी शुरू कर दिया है। दिसंबर में भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शिमला पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने माल रोड पर कॉफी हाउस की कॉफी का भी आनंद लिया था। इसके बाद एकाएक शिमला का कॉफी हाउस सुर्खियों में आ गया है, लेकिन कोरोना संकट के चलते हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का कॉफी हाउस बंद होने की कगार पर है। तो ये थी दोस्तों हिमाचल प्रदेश शिमला के इंडियन कॉफी हाउस की एक ताज़ा खबर। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए और सब्सक्राइब करें घूमो जी भर के।